नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी। मगध संवाद में आपका स्वागत है, हर पहल आपके साथ। इस समय मैं औरंगाबाद जिला के गोप प्रखंड बीआरसी कार्यालय के समक्ष हूं और हमारे बीच एक ऐसे शिक्षक साथी हैं जिनकी बहाली टेट से हुआ है और सन 2014 में ही हुआ है, लेकिन अब तक इनको वेतन मुहैया नहीं हो पाया है। पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर दिक्कत कहाँ से है। लाख पदाधिकारियों के पास गुहार लगाने के बावजूद भी इनका वेतन अब तक नहीं मिला है, लेकिन फिर भी अपने विद्यालय में ये लगातार बने हुए हैं। चलिए हम इनसे बात करते हैं कि आखिर पेच कहां तक फंसा हुआ है, कहां पेच फंसा हुआ है, पदाधिकारियों का क्या कहना है और जनप्रतिनिधि क्या कहते हैं, या शिक्षक संघ के जो नेतागण हैं वो अब तक आपके लिए क्या प्रयास किए हैं, बात करते हैं। क्या नाम है सर? किस विद्यालय में है? कब आपकी बहाल हुई है? 2014। टेट से बहाल हुए हैं जी। क्या वेतन कब से नहीं मिला है आपको? वेतन जुलाई 2015 से वर्तमान तक स्थगित है। यानी कि बहाली से फिर कुछ मिला था? कुछ मिला था। कितने माह का मिला था? उधर जो है जून 2015 तक मिला है, पंचायत सचिव के द्वारा पंचायत जो है 2015 तक दिया गया, लेकिन जब से जो है वेतनमान हुआ है जब से जुलाई 2015 से वेतन अकारण बंद है। क्या कारण बताया जा रहा है? कारण प्राधिकारियों के द्वारा चाल मुचल केवल किया जाता है, इसलिए मैं अपीलीय प्राधिकार में फाइल किया हूँ। अच्छा। वहाँ से ऑर्डर भी हो चुका है और वेतन देने के लिए यहाँ पर चिट्ठी रिसीव करा दिया गया है। अच्छा अच्छा। अब क्या पदाधिकारियों के द्वारा अब क्या कहा जा रहा है? अभी तक तो कोई मुझे सूचना नहीं दिया गया है, चूँकि पदाधिकारियों को एक महीना का समय दिया गया है। क्या आप ही का पैसा वगैरह भी मांगा जाता है पदाधिकारियों के द्वारा? पैसा तो नहीं मांगा जाता है, लेकिन चाल मुचल केवल ऐसे कर दिया जाता है कि मिलेगा मिलेगा, आज मिलेगा कल मिलेगा, अभी तो वेतन नहीं दिया है। आप एक नियोजित शिक्षक हैं, आपका पारिवारिक खर्चा इस स्थिति में कैसे चल पा रहा है? पारिवारिक खर्चा वैसे तो सब चरा है, ट्यूशन पढ़ा करके ऐसे ही, कोई लोग सहायता कर दिए किसी की, यहाँ पढ़ाई लिखाई। कहाँ कहाँ कार्यालय में आप दिए हैं आवेदन अब तक? इसके लिए आवेदन तो हमने जिला डीपीओ सब जगह जो है भेजे थे, लेकिन कोई सुनवाई अब तक नहीं हुआ। नहीं हुआ तो फिर प्राधिकार गया, प्राधिकार गए, प्राधिकार से जीत गए हैं और इस महीना में जो है देने का वजह हुआ है। क्या प्राधिकार से जीत के बाद बावजूद भी अगर वेतन नहीं मिलता तो फिर आप क्या कीजिएगा? फिर मैं दोबारा केस करूँगा।